हेलो नमस्कार, मैं छोटे मोटे गोल मिटुल भाई लोग कैसे हैं आप सब लोग। होप करता हूं वीडियो यार सब यार बढ़िया हो गए। और यार बढ़िया रहना। तो गाइस यार आज की वीडियो यार बहुत बहुत ज्यादा ऑसम होने वाली है, क्योंकि गाइस यार आज की इस वीडियो में मैं आप सब लोगों को बताने वाला हूं एक ऐसे हाइड आउट इवेंट के बारे में जिसके मैं आप सब लोगों को यार यहां पे फीस्ट की स्किन मिलने वाली है, और वो आपके अकाउंट में कैसे आ सकता है ये भी बताने वाला हूं। तो वीडियो यार बहुत बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है। वीडियो मेरे वालों का लास्ट तक देखते रहना। तो जाने वाले लोग यार यहां पे स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले कहना चाहूंगा चैनल में न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो थोड़े से पीछे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर देना। और हम लोग यार यहां पे ऐसी चंगी मंगी धमाकेदार वीडियोस लाते रहते हैं जो आप सब लोगों के दिल और गुर्दों तक छू जाती हैं। चलो यार अब अपने कच्चे और लुंगियों को कर लो टाइट, क्योंकि वीडियो यार लिटरली मचा डालेगी। तो चलो मेरे वालों यार स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यार कहना चाहूंगा सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना। तो गाइस यार यहां पे हम लोग सबसे पहले बात करने वाले अपने OB38 के अपडेट के बारे में। जी हां यार, बहुत से लोग छाती पीट पीट के पूछ रहे थे कि अक्षय भैया ओबी का अपडेट कब आने वाला है, जरा हमें थोड़ा बता तो दो। तो यार गाइस यार मैं आप सब लोगों को बता देता हूं कि यार हमारा जो ओबी का अपडेट आने वाला है वो इस बार यार यहां पे 11 जनवरी को देखने को मिलेगा। जी हां मेरे वालों यार आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, जो हमारा ओबी का अपडेट आने वाला है वो बेसिकली 11 जनवरी को आने वाला है। और ओबी का अपडेट में बहुत सारी चीजें अपडेट होने वाली है। और गाइस यार अगर यार अभी तक आप लोगों को नहीं पता कि OB38 में हम लोगों को क्या क्या भौकाली चीजें देखने को मिलेंगी, तो भैया मेरे चैनल पे जाओ, पीछे की वीडियो देख डालो, भाई सब कुछ बता रखा है ऑलरेडी। और तुम लोग यार वीडियो यार देखते नहीं, फिर यार कहते हो कि अक्षय भैया हमें यार पता नहीं चला ये वो फलाना ढिकाना। तो जाओ यार फटाफट यार वीडियो पूरी वॉच कर लो पीछे। बाकी मेरे वालों यार आप सब लोगों को यार यहां पे बता देता हूं कि हम सब लोगों को यार एक बंडल भी देखने को मिलने वाला है जल्दी, और बहुत ज्यादा ऑसम यार बंडल है। तो आप सब लोग यार यहां पे देख सकते हो ये बंडल हम सब लोगों को जल्दी देखने को मिलने वाला है। इसका जो लुक है भैया लाल लाल लाल, ये बहुत ही ज्यादा घातक लग रहा है, बनियाइन में पूरा गैंगस्टर लगता है। और साथ ही साथ इसके साथ हम लोगों को इसी के कॉम्बो की एक वुड पैकर की स्किन भी देखने को मिलने वाली है। और ये बंडल पहन के वुड पैकर की स्किन लेके जब तुम यार बंदों के आसपास घूमोगे तो बंदे कप कपा जाएंगे भैया। तो भैया यार ये दोनों चीजें जरूर से जरूर निकाल लेना अगर मन हो तो। मैं नहीं कह रहा हूं कि भैया निकालो, अगर मन हो अच्छा लगे तो निकाल लो, अच्छा लगे तो भैया जरूर से जरूर निकाल लेना। और गाइस यार आप सब लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगा, ये मैंने अभी तक यार शायद आप लोगों को नहीं बताई है कि भैया ऐसा सुनने में आ रहा है, वैसे मेरे को नहीं पता कि ये चीज आएगी या नहीं आएगी, वैसे कंफर्मेशन तो नहीं कह सकते, बट हां मेरे को पता चला है तो एक एक चीज जानकारी देना मेरा यार यहां पे कर्तव्य बनता है। ठीक है, तो बेसिकली मैं आप सब लोगों को यार यहां पे बता देता हूं कि हमारे यार यहां पे एक अपडेट निकल के आ रहा है, एक लीक निकल के आ रही किस बार ऐसा इसके मतलब ये जो अपडेट आएगा इसके पास से ऐसा देखने को मिल सकता है कि गाइस यार आप सभी लोग यार अपनी आईडी को मतलब दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। अब गाइस देखो बहुत से लोगों के साथ क्या होता है यहां पे कि उनका जो फेसबुक होता है वो बैन हो जाता है किसी रीजन की वजह से, तो यार वो लोग यार चाहते हैं कि भाई यार हमारी आईडी गूगल में ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि यार जब तक यार लॉग इन रहेगी अपने फोन के अंदर तब तक तो भैया वो लोग गेम खेल सकेंगे, लेकिन जैसे लॉग आउट हो गई गलती से हुई या जानबूझ के किया तो भाई यार क्या हो जाता है कि यार वो जो आईडी है वो मतलब खत्म, टाटा बाय बाय, क्योंकि फेसबुक तो उसका ऑलरेडी डिसेबल है। और गाइस यार यहां पे यार वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते चाकर भी, तो शायद यार इस बार गूगल कह रहा हूं सॉरी फ्री फायर ऐसा कुछ यार करने वाला है कि जो हमारी फेसबुक की आईडी बैन हो जाएगी उसको हम लोग यार यहां पे गूगल में ट्रांसफर कर सकेंगे। बट यार आप सब लोगों को शायद यार कुछ प्रूफ देने होंगे कि आप लोग यार शायद उससे गेम प्ले करते थे या नहीं करते थे, ऐसा यार कुछ क्लिप्स जो यार रहने वाले मांगेंगे वो सब आप सब लोगों को देना पड़ेगा, तो आप सब लोगों की आईडी यार यहां पे ट्रांसफर कर दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि रहने वालों के सर्वर में सारी चीजें यार रहती हैं। ठीक है, अब यार गाइस देखो यार ये चीज ये अपडेट मैं कंफर्म नहीं करूंगा कि आप लोग सोचो मैं बोल दिया तो भैया कन्फर्म, नहीं भैया ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं गैरेना का ना एम्प्लॉय हूं ना मैं सीओ हूं। देखो यार ये अपडेट निकल के आया था तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। बाकी यार देखो मर्जी गैरेना वालों की है, गैरेना वाले टेस्टिंग कर रहे हैं, क्या पता ला भी सकते हैं क्या पता नहीं भी लाएं। ठीक है, आप लोग पता होगा बहुत पहले दो कैरेक्टर आए थे जो आज तक गेम में नहीं आए। ठीक है, तो ऐसा ही है, बहुत सारी चीजें सिर्फ अपडेट करी जाती हैं, टेस्टिंग करी जाती हैं, बट यार यहां पे लाई नहीं जाती हैं ओरिजिनल गेम के अंदर। बाकी वीडियो यार आप सब लोगों को बता दूं कि हम लोगों के यार यहां पे कुछ यार चीजों में और भी अपडेट होने वाले हैं जो कि मैंने आप तक नहीं बताया, बट ठारा भाई अक्षय भी है भाई सब चीजें बताएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारे दो कैरेक्टर जो कि स्काइलर और कैंटा उनमें बिग अपडेट आने वाला है, बेसिकली पूरी एबिलिटी चेंज होने वाली है। सबसे पहले स्काइलर में भैया स्काइलर में तो मेरे हिसाब से सही हुआ। ठीक है, स्काइलर में बेसिकली क्या हुआ, अभी तुम लोग यार जैसे तुमने ग्लू वॉल देखा, ठीक है तुम कस्टम खेल लो धड़ाधड़, तुमने देखा कि ये लौंडा बहुत डैमेज है भैया ये ग्लू वॉल से, लेकिन पैक कर लिया अपने आप को, तो तुमने मारा स्काइलर भटाभट टपाटप करके उसको बिछा दिया घुटनों में ला दिया। बट चचा लोग अभी ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि यार अब तुम लोग क्या, तुम लोगों ने देखा बंदा डैमेज है, ठीक है उसने ग्लू वॉल डाला वो रिवाइव कर रहा है, ठीक है फ्री पॉकेट का बैठ के तुम लोगों ने उसको मारा, ठीक है उसको स्काइलर मारा, तो अब ये नहीं कि एकदम से ग्लू वॉल टूट जाएगा, ना बाबा ना, अब भैया धीरे-धीरे करके यार यहां पे ग्लू वॉल टूटेगा, मतलब ग्लू वॉल को टूटने में कुछ सेकंड लग सकते हैं। ठीक है, टूट जाएगा, ऐसा नहीं कि भैया टूटेगा नहीं, बट यार कुछ सेकंड लगेंगे। लाइक मान लो अभी गेम के अंदर वो वाला बम नहीं है जो कि ग्लू वॉल को गला देता है और ग्लू वॉल धीरे-धीरे करके डैमेज होता रहता है, तो यही सेम चीज स्काइलर के मतलब
अप्लाई कर दी गई है, ठीक है। और जो एचपी बढ़ती है ना वो सब बढ़ेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं। और मेरे हिसाब से सही किया गया भाई, कस्टम खेलता था भाई, मतलब डैमेज जो बंदा के पटाख से टपाक से यार मार के ये बिछा देता था यार, ये बहुत गलत चीज थी। बट यार अभी यार ये चीज सही हो गई, मेरे को बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को एबिलिटी जो चेंज हुई इस कलर की अच्छी लगी या बेकार लगी। अभी गाइस यार कैंटा की बात कर लेते हैं, तो कैंटा में बेसिकली क्या होने वाला है, आप लोग अभी शील्ड जब लगा के मारते थे तो जब आप लोग मारते थे तो शील्ड गायब हो जाती थी, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होता था भाई यार, आप लोग कैंटा कैरेक्टर का यूज करते थे, ठीक है, उसकी पावर का यूज करते थे तो आप लोगों का डैमेज बढ़ जाता था, ठीक है। तो अभी देखो यार क्या होगा, अभी यार जब आप इस कैरेक्टर का यूज कर रहे होगे तब यार आपका जो मतलब फायरिंग है ना वो 50% तक रिड्यूस हो जाएगी, मतलब कि उसके जो गोलियां निकलेंगे वो 50% ज्यादा डैमेज देंगे, ठीक है। आपका जो भी डैमेज होगा नॉर्मल उससे 50% ज्यादा डैमेज देगी। साथ ही साथ अगर जब आप इस कैरेक्टर का यूज नहीं भी कर रहोगे, मतलब शील्ड का यूज नहीं भी कर रहोगे तब भी आप फायर करोगे तो आप लोगों को 10% ज्यादा डैमेज यार मतलब एनिमी को दे सकोगे, ठीक। होप करता हूँ यार समझ गए, पूरा यार ब्रीफ में समझाया, वीडियो थी नहीं इस वजह से दिखा नहीं पाए, बट यार होप करता हूँ समझ गए। बाकी गाइस यार आप सब लोगों को यार यहाँ पे बता दूं कि हमारा एक न्यू कोलैबोरेशन होने वाला है डेविल मे क्राई का, ठीक है। अब ये डेविल मे क्राई क्या है मेरे को अभी लिटरली कुछ भी नहीं पता है, ये शायद कोई मेरे को देखो लोगों को देख के तो लगा कोई गेम वेम है, बाकी मैं गूगल में रिसर्च करके फुल रिसर्च करके आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा व्हाट इज दिस हु इज दिस या फलाना दिस विज विज, ठीक है। तो यार ये सब मैं आपको बता दूंगा, बाकी अभी मैं आप लोगों को एक चीज जरूर से जरूर बताऊंगा। तो ये चीज यार मुझे लगता है कि आप सब लोगों को जानना भी चाहिए, जो कि यार यहाँ पे हाइड आउट ईवो वॉल्ट का है। ये बेसिकली इसमें क्या होता है, इस पे ये हाइड आउट इवेंट आता है जो कि कुछ ही कुछ लोगों को आता है, और इसके अंदर आप सब लोगों को यार बहुत ही ज्यादा चंगे मंगी तगड़ी चीजें भी मिलती हैं। अभी पिछले मंथ यार ये बहुत लोगों के अकाउंट में आया था और इन लोगों को M187 मिली थी, ठीक है। तो आप लोग सोचोगे हाँ से भाई देखने को मिलता है तो क्या इसमें हमारा क्या फायदा, इसमें मेरा क्या फायदा, ठीक है मैं तो टूट गया। तो गाइस यार आप लोग सोचो कि भैया इसमें मेरा क्या फायदा, तो मैं आप सब लोगों को बता दूं ओबी अपडेट के बाद हम सब लोगों को यही इवेंट बहुत सारे अकाउंट में फिर से देखने को मिलेगा। और गाइस यार इस बार हम लोगों को यार यहाँ पे कोई M187 की स्किन नहीं मिलेगी, हम लोगों को मिलेगा यार यहाँ पे फीस्ट की स्किन। जी आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, और गाइस यार ये ज्यादातर लोगों के अकाउंट में आएगा, ठीक है। इसका नाम होगा हाइड आउट लेजेंडरी फीस्ट सेल्स इवेंट, ऐसा करके होगा। और गाइस यार इसमें पहला स्पिन आप लोगों को फ्री देखने को मिलता है, उसके बाद 9 डायमंड का ऐसा कुछ देखने मिलता है, ठीक है। तो ये इवेंट हम लोगों का ओबी के बाद आने वाला बहुत सारे अकाउंट में देखने को मिलेगा, तो आप सब लोग जरूर से जरूर रेडी रहना इस इवेंट में निकालने के लिए। बहुत से लोग सोचेंगे कि इस इवेंट में स्पिन कैसे करें, तो गाइस यार देखो इस इवेंट में स्पिन करने के लिए तुम सब लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपल से यार तुम सब लोगों को यार यहां पे अपने अकाउंट को थोड़ा सा इनएक्टिव रखा करो, बस आ जाते हैं ऐसे इवेंट, ठीक है। कुछ बड़ा यार यहां पे चीज नहीं करना पड़ता, ये चीज मैंने देखी, ये जो हाइड आउट इवेंट होते हैं ये ज्यादातर उन्हीं के अकाउंट में आते हैं जिनका यार अकाउंट थोड़ा सा इनएक्टिव रहता है, ठीक है। तो गाइस यार देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग पूरा इनएक्टिव हो जाओ, बट हाँ अगर आप लोग यार दिन की 4, 6, 8, 10, 12 चाले खेलते हो तो 1-2 चाले या 5-6 चाले कम कर दो तो आपका आराम से आ जाएगा। बाकी देखो यार होप करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय भाई लोग।